वेलकम बैक टू टुगेदर लर्नर। आज हम बात करने वाले हैं कैमरा के ऊपर। एक तरफ है पोको F1 और दूसरी तरफ है ऑनर प्ले। दोनों ही 22,000 रेंज के अंदर के काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं, सो हमने सोचा है इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के बेसिक स्पेक्स देख लेते हैं। तो पोको फोन F1 में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं आपको ऑनर प्ले में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर मिलता है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज़ होता है। हम ब्लाइंड टेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको बस सैम्पल दिखाऊंगा और नीचे लिखा होगा फ़ोन 1 या फ़ोन 2। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ऑनर प्ले या कौन सा पोको F1 है, ये हम वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करेंगे। इससे कंपैरिजन थोड़ा फेयर होगा। चलिए डे सैम्पल देखते हैं। आप ये चूज़ कीजिए कि फ़ोन 1 का सैम्पल बेटर है या फ़ोन 2 का सैम्पल बेटर है। पहले हम लोग कुछ इमेजेस देखेंगे, उनको जूम करके देखेंगे कि किसका क्लैरिटी बेटर है, और फिर उसके बाद कुछ वीडियोस आएंगे, उसके बाद स्लो मो आएगा। दोनों ही डे लाइट में लगभग सिमिलर परफॉर्म करते हैं। मुझे दोनों में से किसी में भी कुछ खराब ही नहीं लगा। दोनों फ़ोन अपने रेंज के हिसाब से अच्छे हैं। पोको फ़ोन थोड़ा महंगा है, तो चलिए उसमें बेटर प्रोसेसर देते हैं। दोनों फ़ोन के डे लाइट सैंपल काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते हैं पोर्ट्रेट मोड, ब्लर इफेक्ट या बुके मोड, जो भी हो, हर फ़ोन में अलग होता है, तो वो देखते हैं कैसा है। अगला हम लोग देखेंगे वीडियो सैंपल। सबसे पहले हम लोग चलते हुए देखेंगे, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में अधिकतर होगा। फ़ोन 2 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन विद फ़ोन 1। अब चलिए वीडियो को अलग लेवल पे लेके चलते हैं। हम सीढ़ी चढ़ते और उतरते हुए देखेंगे कि कैसा वीडियो बनता है दोनों फ़ोन में। नो डाउट फोन 2 का वीडियो सैंपल बेटर है। अब स्लो मोशन देखते हैं। दोनों ही फ़ोन अलग अलग FPS पे शूट कर सकते थे। एक 120 FPS ही कॉमन था, इसलिए मैंने उस पर शूट करके सैंपल डाला है। पोको फ़ोन 960 FPS पे भी शूट कर सकता है। अब आप चूज़ कर लीजिए फ़ोन 1 कौन सा है और फ़ोन 2 कौन सा है। अब हम लोग आंसर रिवील करने वाले हैं। Phone 1 is Honor Play and Phone 2 is Poco Phone F1. Thank you for watching. Like and subscribe.